हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जिसे आप पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं बेटा। इसमें देखिएगा, सबसे पहले अपन आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर अबव 100 वाले एलिमेंट्स के लिए आईपीएससी नोमेनक्लेचर। आईपीएससी नोमेनक्लेचर देने से पहले यहां पर मैं आपको बता दूं, इसका एक फॉर्मूला है बेटा, बेसिक फॉर्मूला। नेम इज इक्वल टू प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। इसमें देखिएगा, नेम में आपके प्रीफिक्स जो है वो नंबर ऑफ डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट, और सफिक्स जो होता है यहां पर ईएम होता है। क्या होता है? ईएम। क्लियर बेटा? तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि जब भी आप नेमिंग करेंगे तो प्रीफिक्स मतलब नंबर ऑफ डिजिट को यूज करेंगे, ठीक है, और उनके लिए जो भी प्रीफिक्स लिया जा रहा है वो आप वहां पर यूज करते हैं और साथ में सफिक्स ईएम ऐड करते हैं। क्लियर? तो देखिएगा, यहां पर नोटेशन फॉर आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, डिजिट दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, ठीक है, कि क्या नेम यूज करेंगे डिजिट के लिए, जिसे आप क्या कहेंगे बेटा, प्रीफिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रीफिक्स। ओके, एब्रिविएशन, एब्रिविएशन है यहां पर, जिसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखिएगा, जीरो, जीरो के लिए यहां पर नेम दिया जा रहा है नील, वन के लिए अन, टू के लिए बाय, थ्री के लिए ट्राई, फोर के लिए क्वार्ट, फाइव के लिए पेंट, सिक्स के लिए हेक्स, सेवन के लिए सेप्ट, और एट के लिए ऑक्ट, नाइन के लिए इन। ठीक है, यहां पर एब्रिविएशन स्मॉल डिजिट से जो फर्स्ट लेटर होगा इनके नेम का, उनको एब्रिविएशन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नील के लिए स्मॉल एन, यू एन को यू, बाई को बी, ट्राई को टी, क्वाड को क्यू, पेंट को पी, और यहां पर हेक्स को एच, और सेप्ट को एस, ऑक्ट को ओ, इन को ई। क्लियर? इसी तरीके से यहां पर देखिएगा, एग्जांपल लेते हैं आप 100। ओके, इसके लिए नेमिंग करनी है आपको, तो इसमें वन, जीरो और जीरो आ रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा नेम में? सबसे पहले आपको अन लिखना है, फिर नील प्लस नील प्लस ईएम। यहां पर देखिएगा, आपको क्या करना है, ईएम लिख देना है सफिक्स। यहां से यहां जब देखते हैं आप, तो ये हो गया आपके प्रीफिक्स। क्या हो गया बेटा? प्रीफिक्स। और ये क्या हो गया? सफिक्स। क्लियर? अब आप इसको ऐड करके एक साथ लिख सकते हैं, अन नील नीलियम। ओके, ये इसकी नेमिंग हो जाती है 100 की। इसमें इसका सिंबल आपको थ्री डिजिट दिए हुए हैं, थ्री डिजिट के लिए जो नेम है उनका फर्स्ट लेटर आपको सिंबलाइज कर देना है। कैसे? यू, और यू कैपिटल लिखना है आपको, फिर नील एन नील एन। ये देखिएगा, ये इसका सिंबल हो जाता है, 100 का सिंबल है ये सिंबल हो जाता है। क्लियर? इस तरीके से आप सभी के नेमिंग इजी से कर सकते हैं। तो देखिएगा, एग्जांपल लेते हैं बहुत सारे अपन। एटॉमिक नंबर दिया हुआ होगा, नेमिंग करनी है और उनके सिंबल लिखे हुए हैं, ठीक है, और ऑफिशियल आईपीएससी नेमिंग भी दी हुई है। आपको मालूम होगा बेटा, 118 एलिमेंट कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में मेंशनड है, इन सभी का ऑफिशियल आईपीएससी नेम कंप्लीट किया जा चुका है, ठीक है, तो यहां पर यह बात आपको ध्यान होनी चाहिए। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर 101 के लिए नेमिंग की, जो आपके अबव 100 वाले एटॉमिक नंबर के लिए मेंशन की जा रही है। तो इसके लिए देखिएगा, 101 के लिए अन नील अनियम, और इसका सिंबल हो जाएगा यू एन यू। 102 के लिए अन नील बाईम, तो ये क्या हो जाएगा? अन नील बाईम। ओके, तो यू एन बी। 103 के लिए अन नील ट्राइम, यू एन टी। 104 के लिए अन नील
क्वाडियम, तो यू एन क्यू। 105 के लिए यू ये अन, निल पेंटियम, तो यू एन पी हो जाता है, ठीक है। 106 के लिए क्या बात आएगी, अन निल हेक्सियम, यू एन एच। ऐसे ही 107 के लिए अन निल सेप्टियम, यू एन एस। 108 के लिए अन निल ऑक्टियम, यू एन ओ, क्लियर बेटा। 109 के लिए अन निल इनियम, तो हो जाएगा आपके यू एन ई। नेक्स्ट आ रहा है आपके 110 अन अन निल इयम, अन ये यहां पे दो बार 11 है ना, तो अन अन निलियम, यू यू एन 111 ट्रिपल वन आ गया बेटा, तो अन अन अनियम, तो ये हो जाएगा आपके क्या बेटा, यू यू यू। ऐसे 112 से लेके आप सभी के लिए ये नेमिंग कर सकते हैं बेटा। देखिएगा 112 के लिए अन अन बायम, यू यू बी हो गया। 113 के लिए अन अन ट्राइयम, यू यू टी हो गया। 114 के लिए अन अन क्वाड्रियम, क्वाड्रियम ये हो जाएगा आपके क्वाड्रियम यहां पर, यू यू क्यू। 115 के लिए अन अन पेंटियम, यू यू पी। 116 के लिए हो जाएगा यू ये अन अन हेक्सियम, यू यू एच। 117 के लिए हो जाएगा अन अन सेप्टियम, यू यू एस। और 118 के लिए हो जाएगा अन अन ऑक्टियम, यू यू ओ, ठीक है। और 119 के लिए हो जाएगा बेटा आपके अन अन इनियम, तो आप कह सकते हैं यू यू ई, क्लियर। और यहां पर 119 के लिए नीट 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको यहां पर आईपीएससी नेमिंग को कंप्लीट कर देना है, नेमिंग लिखना है। फिलहाल यहाँ पे आजकल ऑफिशियल आईपीएससी नेमिंग दी जा चुकी है, जैसे मैं आपको बताऊं बेटा लास्ट जो स्लाइड है उसमें देखिएगा 11 को आप मेंडेलिवियम कहते हैं, नेमिंग है ये, देखिएगा आईपीएससी ऑफिशियल नेम इनके प्रोवाइड करवाए गए हैं, ये देखिएगा ये सारे क्या है, इनके ऑफिशियल आईपीएससी नेम दे दिए गए हैं, ठीक है। और इनका सिंबल भी है, ये देखिएगा ये सारे सिंबल्स हैं, क्लियर। तो आपको यहां पर नेमिंग लिखना आना चाहिए बेटा, क्लियर। एक बार मैं प्रीव्यू दिखा देता हूं आपको, ये देखिएगा इस तरीके से नोटेशन फॉर आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें देखिएगा नेमिंग, नेम जब भी लिखते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए बेटा प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है। प्रीफिक्स नंबर ऑफ डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका नेम है, जैसे यहां पर देखिएगा ये क्या है, नेम ही प्रीफिक्स है इनका, ठीक है। और यहां पर सफिक्स ईएम, सफिक्स ईएम ऐड किया जा रहा है। जैसे आपने एग्जांपल लिया 100, तो 1 के लिए आप क्या लिखेंगे बेटा, अन निल निल ईएम, तो क्या नाम हो जाएगा, अन निल नीलियम, ठीक है। क्या सिंबल यू एन एन हो जाता है, क्लियर। ओके बेटा, तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से देखिएगा और हर एक नेम राइट करने का पूरा कोशिश करिएगा, ठीक है। यहां से इस टॉपिक से कोई आपके एमसीक्यूज आ जाता है, क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो गलत नहीं जाना चाहिए, क्लियर बेटा। ओके okay।